गुड मॉर्निंग कंटिन्यूशन सो ये टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस इन इंडिया देर इज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सो द वर्क इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमारा देश जो है फेडरल सिस्टम को हमने अपनाया तो यहाँ पे पावर्स को स्टेट्स और सेंट्रल में बांटा गया द जूडिशन scope of work ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड टू इट्स ओन स्टेट जितने भी उनके पावर्स होते हैं जितने भी उनके क़ानून होते सिर्फ वो स्टेट में लागू होते पूरे सेंट, पूरे इंडिया में नहीं होते मतलब जो उनके असाइन किए गए लिस्ट में वाइल्ड द जुडिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कवर्स द एंटायर कंट्री जो इनका जुडिशन होता है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में लागू होता है

यूनियन लिस्ट के पावर्स देखते हैं आउट ऑफ 97 सेवन विषय सब्जेक्ट असाइन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए उसमें वो क्या क्या होता है उसमें डिफेंस ऑफ द कंट्री जो फौज होती है सारी जो देश की सी आर पी एफ सी आई एस एफ जितने भी ये डिफेंस करने वाले देश को बचाने वाले रक्षक होते हैं यानी पुलिस सेंट्रल पुलिस नेक्स्ट आर्मी ये सब यूनियन लिस्ट सेंटर के हाथ में होते हैं फिनास है जितने भी बैंकिंग से और बैंकिंग और इलेक्शंस के जितने भी रिलेटेड रेलवे पोर्ट एंड टेलीग्राफ एटॉमिक एनर्जी एविएशन एंड नेशनल हाईवेज मेरीन सर्विसेज और इंक्लूडेड इंडियन यूनियन लिस्ट ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए गए ये सारे पावर्स हक इनके ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं तो हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लिस्ट यहाँ पे एमोंग दिक्सटी सिक्स सब्जेक्ट्स यहाँ पे टोटल असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे एजुकेशन हेल्थ एग्रीकल्चर इंटरनल ट्रेड कॉमर्स फॉरेस्ट लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स एक्सेट और इंक्लूडेड इन द स्टेट ये सारे स्टेट लिस्ट में रखा गया नेक्स्ट हम देखते कॉन्क्रेन लिस्ट द फोर्टी सेवन सब्जेक्ट्स फॉर विच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम द लॉस यहाँ पे कॉन्क्रेट लिस्ट में दोनों को भी यहाँ पे पावर्स होते दोनों भी यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम दानून को बना सकते हैं इट इड जॉइंट लिस्ट ऑफ द पावर्स सचैस डिवर्स एजुकेशन इंडस्ट्रीज एम्प्लायमेंट एलेक्ट्रिसिटी एंड इनहेरिटेंस मैटर्स ये सारे जो मैंने बताया ये सारे दोनों के हाथ में पावर्स होते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉन्टी जितने भी देखे यहाँ पे देखते क्रिमिनल केसेस या कोर्ट्स में होते हैं या सिविल केसेस प्रोसीडिंग्स होते हैं उनके सारे वो दोनों के दोनों को भी पावर होते हैं तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेसी इज टू डू द वेलफेयर ऑफ़ द पीपल जब स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी देश में यहाँ पे पब्लिक की पब्लिक की भलाई करना, है, करना, होता, issues, करना होता. Next, तो होता है सारे पब्लिक का डेवलपमेंट करना होता है उनके सारे इश्यूज़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है नेक्स्ट तो ये मेन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है द स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिलेटेड टू द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल सच एज यहाँ पे देखिए इनके जो मेन फंक्शंस होते हैं बेसिक नीड जो बुनियादी हक होते हैं हुकूक होते हैं इंसान के जैसे पावर देना सही से इलेक्ट्रिसिटी और कंक्रीट रोड्स अच्छे रोड्स देना कंक्रीट वाले डाम्बर वाले रोड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड वर्क ये बेसिक नीड्स जो है इनको अच्छे से पहुँचाना है पब्लिक तक इनकी गवर्नमेंट का ये एकदम ड्यूटी होती है अच्छा साफ़ सुथरा पानी देना सेहत रिलेटेड हॉस्पिटल डॉक्टर्स को ध्यान देना ये सारी चीज़ें नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट फूड आइटम्स थ्रू रोशनिंग शॉप्स जो हम देखते हैं रोशनिंग शॉप्स होते हैं जो कम बजट पर कम पैसे में चावल गेहूँ तेल आटा ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ओके okay, ये भी गवर्नमेंट के ड्यूटी होती है इनको करना होता है इनके फंक्शंस में होते हैं प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू पीपल इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड्स हैवी रेन्स ड्रॉट्स अर्थक्वेक्स हरिकेन्स एक्सेट्रा फिर क्या होता है पब्लिक को सपोर्ट करना होता है जब नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं आते बाढ़ आ जाती है तूफान आ जाता है आ? और बारिश बहुत दिन तक नहीं होना ड्रॉट्स आते ऐसे वक्त पे पब्लिक को इनको सपोर्ट करना होता है रेशनिंग देने होता है इनको बहुत जगह टेम्पररी शेल्टर्स देना होता है सो दिस ऑल आर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स देर ड्यूटी टू परफॉर्म दिस नेक्स्ट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स जस्टिस एक्सेट्रा अब ये स्टेट गवर्नमेंट की यही नहीं बल्कि इनको कम में ट्रांसपोर्टेशन हम देखते हैं। आज देखिए सारे बसेस घूम रहे जो प्राइवेट ऑटो से टैक्सी से जहाँ पे वो लोग थर्टी फोर्टी रुपीस फिफ्टी रुपीज़ चार्ज करते वहाँ पे सिर्फ ये लोग बहुत कम पाँच रुपये दस रुपये में ट्रांसपोर्टेशन देते हैं गवर्नमेंट इनकी ड्यूटी है बहुत अच्छा निभाते ट्रेनस में भी बहुत कम चार्जेस होते हैं ठीक है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को लोन्स दिया जाता है माइनॉरिटीज़ को हेल्प किया जाता फ्री ऑफ एजुकेशन होता बुक्स मिड डे मील ये सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है यहाँ पे चलती रहती है हम देखते हॉस्पिटल्स में देखते बड़े बड़े डॉक्टर्स होते अच्छे एम डी एम एस होते जो प्राइवेट में हमें जहाँ पे बीस हज़ार तीस हज़ार रुपये लग सकते हैं वहाँ पे हमें सिर्फ हंड्रेड टू हंड्रेड रुपीज़ में हमारा काम हो जाता है ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है नेक्स्ट इट प्लेस इफ़ इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीस लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ओके okay, ये बहुत अहम रोल निभाती है जहाँ पे फसाद होते हैं तुरंत देखिए है, फौज पुलिस आके उसको सिचुएशन को कंट्रोल करती है दंगाइयों को बहुत सारे आ, देश में जो ऐसे लोग होते जो फसाद करना चाहते जो देश को बर्बाद करना चाहते तो जब ऐसे लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं देश में तब पुलिस और आर्मी आके उसको तुरंत कंट्रोल करती है देश में अमन चैन कायम रखने की पूरी कोशिश करती है ये सारा नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट जुडिशियरी यहाँ पे जुडिशियरी का मतलब होता है यहाँ पे कोर्ट्स कानून रिलेटेड ओके नेक्स्ट एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए हाई कोर्ट हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है ठीक है तो यहाँ पे देखते द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात वॉज एस्टाब्लिश ऑन फर्स्ट में नाइनटीन सिक्सटी में गुजरात में एस्टाब्लिश किया इन अहमदाबाद में ठीक है कहाँ पे ये अहमदाबाद में

सिटीजन citizens सिटीजन्स citizens के राइट्स के और रिड्रसल सिटीजन अपील हियरिंग अपील्स अगेन इज द वर्डिक्टे जुडिशरी के सारे फंक्शन होते हियरिंग अपील्स अगेन इज द वर्डिक्ट सिविल और क्रिमिनल केसेस जो भी वर्डिक्ट आ, जो फैसला दिया जाता है उसको फिर सुनना लोअर कोर्ट्स के और प्रोटेक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को ऑर्डर देना ओके okay, जो भी राइट्स होते हैं ये सिर्फ कोर्ट्स दे सकते हैं ठीक है पुलिस को जब लॉ लॉन ऑर्डर बिगड़ते तो इनके ये फंक्शंस होते हैं इनके हक राइट right होते हैं हाई कोर्ट्स एक्ट एज ए प्रेसिडेंट कोर्ट हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसमें जितने भी सारे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी इसको कह सकते हैं नेक्स्ट डिपोजिशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पी आई एल कहते हैं ओके फाइंड सोल्यूशन जो भी कोई जगह का खास प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे वहाँ की स्पेशल पब्लिक वहां पे कोर्ट्स में पीआईएल अप्लाई करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी अगर गवर्नमेंट वहां पे कुछ बना रही है उनको आपत्ति है या कोई पब्लिक से आपत्ति है तो ये पीआईएल दाखिल करते हैं इसमें कोर्ट में ठीक है ये सारा सॉल्व करती है स्टेट जुडिशरी अभी हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे द मीनिंग ऑफ हेल्थ नेक्स्ट वेलनेस इज कॉल्ड हेल्थ वेलनेस होती है हमारी वेलनेस uh, सेहत हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल मेंटल सोशल एंड स्परिचुअल बेलविंग हेल्थ किसको कहते हैं हमारा कंप्लीट फिज़िकल जिसमी तौर पे दिमागी तौर पे सामाजिक तौर पे और धार्मिक तौर पे हम बहुत अच्छे रहना सेहतमंद रहना इसको हम हेल्थ बोल सकते हैं हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और फिजिकल वीकनेस हेल्थ उसको नहीं कहते कि यहाँ पे देखिए कि हम बहुत तंदुरुस्त है हम वीकनेस नहीं है वो हेल्थ नहीं हेल्थ इज एंड अचीवमेंट ऑफ फिजिकल वेलबींग पूरी तौर पे हम दिमागी तौर पर जिसमी तौर पर सामाजिक तौर पर धार्मिक तौर पर हम पूरे फिट होना चाहिए इसको हम कम्प्लीट हेल्थ बोलते हैं इन ऑर्डर टू हैव ए गुड फैमिली एंड सोशल लाइफ एक अच्छी गुड फैमिली और सामाजिक ज़िंदगी जीने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए पर्सन टू इन ए गुड हेल्थ पहली बार इंसान को अच्छे गुड हेल्थ होना चाहिए फ़र्स्ट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज़ ओनली पॉसिबल विध हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स अगर हमारा देश पूरा तंदुरुस्त रहना है तो इसका हमारा जो माहौल वातावरण वो बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए हेल्थी ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसान का जो जरिया है देश को इंसान ही चलाता है मशीन्स को इंसान चलाता है कंप्यूटर्स को इंसान चलाता है हॉस्पिटल एजुकेशन देश को सारा इंसान चलाता है ठीक है तो इनके लिए तो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स रहेगा तो फिर देश भी होलिस्टिक डेवलपमेंट रहेगा तो नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोल सकते हैं हमने इसको हेल्थ सब सेंटर्स इन रूरल एरिया देहाती एरियो में ठीक है नेक्स्ट सिविल हॉस्पिटल्स इन बिग सिटीज में सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं ठीक है यहाँ भी हम देखते हैं हमारे सूरत में मजूरा गेट पे है नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन क्लीन तो यहाँ पे देखते हैं टाइम से टाइम वो लोग आते हैं वैक्सीनेशन देते हैं पोलियोस हर तरह के तो ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ड्यूटीज होती हैं बहुत अच्छे अंदाज में लोग निभाती है गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन क्लिनलीनेस कैम्पेन्स होती है नेक्स्ट एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन द कंट्री ये जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट जब बनाती है इसको अच्छे बाखूब इनको इम्प्लीमेंट करती है पूरे स्टेट में थ्रू द पब्लिक हेल्थ सर्विस जो पब्लिक हेल्थ सर्विसज होती है वो लोग उनके अंडर में आता है वो सारे ये काम एक नेटवर्क बना के टीम बना के अच्छे से काम करते काम अंजाम देते कंट्रोल्स ऑन फूड अडल्ट्रेसन ओके जो भी फूड अडल्ट्रेशन करते जो खाने में मिलावट करते आटो में मिलावट करते ओके okay, गेहूं में मिलावट करते वो डिपार्टमेंट होता है पब्लिक हेल्थ इनके जो ऑफिसर्स होते हैं रेगुलर चेक करते हैं यहाँ पे स्टोर्स में किराना स्टोर्स में नेक्स्ट होटल्स में लोग चेक करते हैं okay, ओके फिर इनका ये काम होता है ड्रग कंट्रोल जो दवाइयों के अंदर मिलावट दवाई बहुत सारी वो भी चेक करते हैं नेक्स्ट प्रोटेक्शन अगेन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एंड प्रिवेंटिंग मेजर जो जानलेवा बीमारियाँ होते हैं जैसा यहाँ पे फटते हैं धरती पे तो उस तरह उसको चेक करके वो लोग ने कंट्रोल करते हैं ये सारा काम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हम देखते हैं हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द सिटीज़न बाय प्राइवेट क्लिनिक्स जो होते प्राइवेट क्लिनिक्स दाऊखान है वहाँ पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्राइवेट डॉक्टर्स होते

द स्टेट गवर्नमेंट मेक्सपेशल प्लान्स एंड एक्सपेंडिचर्स टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसज टू दिटिजन ऑफ द स्टेट द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाई द स्टेट गवर्नमेंट ये ये फंक्शंस गवर्नमेंट करती है क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड ग्रेन टू द पुअर थ्रू रेशन शॉप जैसा कि हम देखते हैं यहाँ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे हेल्थ एंड स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं तो गवर्नमेंट का क्या योगदान भरपूर गवर्नमेंट निभाती है रेशन शॉप्स होते हैं हमारे हर मोहल्लों में तो वहाँ पे रेशन शॉप के जिसके पास कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे उनको अकॉर्डिंग टू द उनकी जो इनकम होती है आ, ईयरली इनकम के थ्रू एम आर ओ मंडल रेवन्यू आफिसर उनको एक सर्टिफिकेट इश्यू करते उनका रेशन कार्ड बनता है तो उनको बहुत सस्ते दाम पर अनाज पानी देती है वैक्सीनेशन टू कंट्रोल डिसीजे लाइक मिसल्स चिकन पॉक्स पोलियो एक्सेट्रा इसकी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्थ डिपार्टमेंट देती है नेक्स्ट लिकर प्रोहिबिशन कंट्रोल ऑन फूड अडल्ट्रेशन लिकर प्रोहिबिशन लिकर होता है शराब को मना करना क्योंकि उससे पी के लोगों की सेहत खराब होती है तो उसको चेक करती है ये गवर्नमेंट एंड कंट्रोल ऑन फूड अडल्ट्रेशन जैसा कि मिलावट खानों के अंदर में चेक करती है वन हंड्रेड एड फॉर एमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज होती है एक सौ आठ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो चलती है हम देख रहे हैं वो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है पब्लिक को क्लिनलीनेस ड्राइव एंड स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ सैनिटेशन नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनरिक मेडिसिन थ्रू जन औषध केंद्र ऑन रीजनेबल रेट्स पर कम दवाइयों पर जो ये दवाई इन्वेंट हुई है बड़े कम दाम पर प्रोवाइड करती है नेक्स्ट प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन कंट्रोल डिसीजे लाइक मलेरिया जॉन्डिस लेप्रोसी ब्लाइंडनेस डायबिटीज च्यूबरक्रोसिस कैंसर एक्सेट्रा इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग करती है स्कीम्स ले आती है गवर्नमेंट इसको पब्लिक को अवेयरनेस देती है तो ये सारा काम जो गवर्नमेंट है भरपूर uh, अपने अंदाज में इसको निभाती है हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेट एंड गवर्नमेंट द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज़ डन बाई द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मैंटेन गुड हेल्थ ऑफ द सिटीजन ऑफ द नेशन दो, दोनों मिलके भी साथ में काम करते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पे देखते हैं हेल्थ स्कीम्स बनती है स्कीम ऑफ द हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट से देखते हैं नेक्स्ट स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हम स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के देखते हैं यहाँ देखिए यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री अमृतम माँ योजना दी इसमें बहुत सारे हम स्कीम्स होते हैं जिसमें जिसको भी एक कार्ड मिलता है कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे दो तीन लाख रुपए लगते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इनका काम हो जाता है नेक्स्ट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है मिशन बलम सुखम नेक्स्ट ममता साखी योजना नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना नेक्स्ट जननी शिशु सुखन्या नेक्स्ट ये बला रक्षा योजना ये सारी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट के हत हित में है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्कीम ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट में तो यहाँ पे हम देखते हैं ओके okay, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नेशनल लिप्रोसी एराडिकेशन प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर सेफ मदरहुड कैंपेन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम नेशनल फैमिली प्लान ओके okay, अटल स्नेह योजना टॉयलेट एंड क्लिनस कैंपेन आयुष्मान भारत योजना ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है ठीक है ये स्कीम के तहत ये लोग पब्लिक भरपूर इसको फ़ायदा उठा सकती है ठीक है तो यहाँ पे तो अलग अलग इसके तौर पे हम वेरियस यहाँ पे हेल्थ डेज भी बनाते आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे ठीक है तो ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट का चैप्टर क्लोज हो गया कंप्लीट हो गया आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड थैंक यू स्टूडेंट